नमस्कार दोस्तों, ये कीलों की धार देख रहे हैं। लोहे के एक आयरन के प्लेट पर ये सैकड़ों कीले लगाई गई हैं वेल्डिंग करके, और ऐसी कीले इसलिए तैयार की गई हैं और ऐसा आयरन प्लेट यहाँ भी रखा है ताकि जो किसान अगर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करें तो उन्हें रोकने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम हो। और नीचे जो है रेत की बोरियाँ हैं। और अब ये हमें गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, ये NH-24 है। यहाँ से यूपी की शुरुआत होती है। जहाँ मैं हूँ यहाँ से इधर कुछ दूरी पर, कुछ 100 मीटर के बाद दिल्ली है। और ये नीचे की तस्वीर दिखा, और इससे पहले आपको बता दें कि 10 बजे का वक्त दिया था किसानों ने, 10 बजे तक का, कि 10 बजे के बाद हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद कल देर रात जो बैठक हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ किसान नेताओं की, वो बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं का कहना है कि जो वादे, जो मांगे उनकी थी, उस पर सरकार ने कोई भी भरोसा नहीं दिया। क्या कहा किसान नेताओं ने वो बताया, उसे ये देखिए, यही कीले हैं। और ये कीले लगाने के लिए हर जगह लगाने ले जा रहे हैं, कहीं देखिए ये जाया जा रहा है, ये ऐसी सड़कों पर जाम करने के लिए हर जगह लगाया जा रहा है। बैरियर, बैरिकेडिंग और बोल्डर, वो सब मैं दिखाऊंगा। देखिए पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहीं लगाएंगे, चारों तरफ इंतजाम ऐसे हैं कि कहीं से किसानों के जत्थे, ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ दाखिल ना हो पाए, क्योंकि पीछे यूपी है और इधर दिल्ली है। और यहाँ पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े कंटेनर हैं, उसमें रेत भरा हुआ, ऐसे दसियों ऐसे बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसमें रेत की बोरियाँ हैं, जैसे यहाँ रेत की बोरियाँ। और नीचे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये सब इसलिए कि किसान 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर 2020 की तरह दिल्ली के पास या यहाँ ना पहुँच जाएं, दिल्ली की सीमाओं को घेर न ले, इसलिए मुकम्मल इंतजाम किया गया। नीचे दिखाइए, कल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, नीचे की तस्वीर। अब नीचे जो है ऐसे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि पिछली बार यहीं पर किसानों ने नीचे डेरा डाला था। राकेश टिकैत के जो लोग थे, कार्यकर्ता, किसान, वो सब नीचे थे। तो यहाँ बोल्डर से घेरा गया है, पुलिस ने मुकम्मल इंतजाम पीछे किए हैं, गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ तारबंदी की गई है। करण वो दिखाई है, रेत के साथ तारबंदी। लेकिन ये भी बता दे कि ये चूंकि दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर का, कल भी मैंने आपको कहा था कि इधर किसानों के जत्थे उस तरह से शायद ना आए, क्योंकि इसमें जो इस आंदोलन में ज़्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। चूंकि किसान मोर्चे में, संयुक्त किसान मोर्चे में आपसी फूट की वजह से 2-3 अलग अलग संगठन बन गए, 2-3 मोर्चे बन गए, तो राकेश टिकैत का संगठन, जिनका असर पश्चिमी यूपी में है, वो इस मोर्चे में शामिल नहीं है, इस 13 फरवरी के दिल्ली कूच के ऐलान में शामिल नहीं है। इसलिए इतने इधर से कितने किसान आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। नीचे पुलिस, नीचे की तस्वीर दिखाइए, नीचे की तस्वीर। करण आप डिस्टर्ब मत होइए, आप अपने वीडियो पर फोकस करिए। नीचे पुलिस वाले, अब उसके बाद आपको दिखाते हैं। आइए इधर, आइए इधर, आइए, आते जाइए, तस्वीर दिखाते जाइए। और आपको बता दें, सरवन सिंह पंधेर और अभिमन्यु कोहार, जगदीत सिंह दल्लेवाल, वो तमाम नेता जिनकी बैठक हुई थी कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वो बैठक करीब करीब 3 से 4 घंटे चली, ज़्यादा भी शायद 5 घंटे, 4.5 घंटे। उस बैठक में जो दूसरी बैठक थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, उस बैठक में सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि किसान नेता आंदोलन वापस ले लें या 13 फरवरी के दिल्ली कूच के ऐलान को विड्रॉ कर लें। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने MSP की गारंटी को लेकर, कानून बनाने को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, जिन किसानों पर मुकदमे किए गए हैं उन मुकदमों की वापसी को लेकर कोई वादा नहीं किया सरकार ने। और जब वादा नहीं किया तो हम फिर कैसे दिल्ली कूच के ऐलान को रोकें। तो अभी गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। और आइए, करण आ गया, मैं सरवन सिंह पंधेर, जो संयुक्त मोर्चे राजनीतिक के नेता हैं, जो कल दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल थे, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। और उसके बाद यहाँ की तस्वीर, ये भी बताया कि चूंकि यहाँ पुलिस ने ज़बरदस्त नाकेबंदी की है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। ये तो दिल्ली से आने वाली सड़क है, यहाँ भी ट्रैफिक आप देख रहे हैं जाम है, लेकिन यूपी की तरफ से आने वाली में भी 1.5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। चूँकि ये 8 लेन की सड़क है, NH-24, और इस 8 लेन में 4 लेन है, उसमें से 2 लेन को पिछली बार किसानों ने जाम कर लिया था और अपने जो पंडाल या अपने जो टेंट वो लगा लिए थे। इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस ने या केंद्र सरकार ने
इतनी तैनाती की है अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ कोई पहुँच ना पाए। पिछली बार जो चूक हो गई, इस बार वो चूक न रहे, इसलिए ज़्यादा मुकम्मल इंतजाम है। हरियाणा से जो तस्वीरें आ रही लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे, हमारे सहयोगी धारण जो हरियाणा में है, शंभू बॉर्डर के पास भी हमारे एक सहयोगी है, मंदी पुनिया भी हमारे लिए कवरेज कर रहे हैं, उनके वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ तो एकदम लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान की सरहद पर जैसी रखवाली होती है, उससे ज़्यादा मुस्तैदी है। 500-700 मीटर के दायरे में चारों तरफ से ऐसी बैरिकेडिंग है, सड़कें खोदी गई है, नहर के की तरफ से लोग जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर 10-10 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, कंक्रीट की सॉलिड दीवार, ताकि वहां किसान ना पाए। तो वहां से भी तस्वीरें आ रही, शंभू बॉर्डर के पास पहुंचने की कोशिश, करीब 2000-2500 ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर है, कहा जा रहा है वो मूव करेंगे। अब क्या होगा पता नहीं, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि उम्मीद करूंगा कि टकराव की कोई नौबत ना आए, लेकिन किसानों का कहना है उनकी मांग मानी नहीं जा रही है या सरकार कोई सॉलिड भरोसा नहीं दे रही है, तो वो करें क्या। अब ये सरवन सिंह पंढेर जिन्होंने आज सुबह कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर अपनी बात कही है, जो केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक में थे, मैं चाहता हूँ उनका छोटा सा टुकड़ा आप सुने ताकि समझ में आए कि किसान क्या चाहते हैं। हरियाणा की पोजीशन रखी थी, हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है, आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में किसान को रिश्तेदारों को तंग, ये पंढेर साहब बता रहे हैं हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे, ये हमारे मंत्री महोदय कुलजी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहाँ मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा। तस्वीरें आप दिखाते रहे नीचे की, देखिए वो बोल्डर कंक्रीट के बोल्डर जेसीबी से ट्रकों में लाद कर लाए गए हैं या लाए जा रहे हैं, कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दे। आप लोग सीआरपी के हैं शायद, कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसलों के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता। ये ऑडियो मेरे पास आया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो सरवन सिंह पंढेर हैं, वो ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूँ। सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूँ हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ 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 फसलें तो खरीदी जाती है, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, कि जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, चलिए ऑडियो की इसमें समझने में दिक्कत होगी। सरवन सिंह पंढेर कह रहे हैं कि जो 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करते हैं या एमएसपी ऐलान करते हैं, उन 23 फसलों पर एमएसपी, उन 23 फसलों की खरीदी एमएसपी पर हो, कम से कम इसकी आप गारंटी दें। और इसलिए भी कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने भी ऐसी सिफारिश की थी और नरेंद्र मोदी खुद इसके पक्ष में थे जब तक मुख्यमंत्री थे, यही ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद जो तस्वीरें आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सीआरपीएफ के जवानों की, पैरामिलिट्री फोर्सेज की यहाँ तैनाती है गाजीपुर बॉर्डर में। उधर आते हैं, जरा कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे, अब ये क्या हुआ था, वहाँ भी पीछे देखिए, वहाँ भी ऐसे, वहाँ उधर से भी बैरिकेडिंग है, मतलब चारों तरफ से ऐसे। ये देखिए नीचे, नीचे दिखाइए, बोल्डर ऐसे लाए जा रहे हैं ताकि रास्ते को जगह जगह बंद किया जाए अगर कोई किसान इधर आने की कोशिश करता है। इधर आइए, जरा जरा मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इधर आइए, करण आराम से आइए आइए। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जब पिछली बार किसान जब 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करके जब लौटे थे तो उनसे कुछ वादा किया गया था, आंदोलन खत्म उन वादों की बुनियाद पर हुआ था। और किसान यही कह रहे हैं कि जो वादे आपने तब किए उन वादों को तो पूरा कीजिए,
अगर आपने कहा कि एमएसपी को लेकर हम एक कमेटी बनाकर आप विचार करेंगे, आपने अगर कहा कि मुकदमे हम वापस लेंगे, आपने अगर कहा कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ नाइंसाफी हुई उसको उस पर विचार करेंगे, बिजली कानून को लेकर आपने कुछ वादे किए, तो जो वादे किए कम से कम वो वादे तो पूरे कीजिए। यही किसान करे, रोड क्रॉस करते हैं जरा दूसरी तरफ भी, चूँकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देखते हैं आइए। और ट्रैफिक में थोड़ा सा ऐसे चलना भी मुश्किल है क्योंकि देर हो गई। आगे आगे आइए, ये यहाँ पुलिस की तैनाती है, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस वाले हैं सब, और ये सैकड़ों पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आ जाइए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज, इन सब की तैनाती है। और ये बड़े बड़े ऐसे कंटेनर सब यहाँ लगा दिए गए, सब में रेत भरा हुआ है। और हम दूसरी तरफ चल के, उधर चल के देखते हैं। आइए आइए करण, आइए आ जाइए, आ जाओ। वैसे भी यहाँ मैंने लगभग एक साल तक यहाँ रिपोर्टिंग की थी जब किसान यहाँ आंदोलनरत थे। आइए अब यही घेरेबंदी की गई है, ये इंतजाम इसीलिए है, सब जो ये कंटेनर है सब ट्रक में, सब में रेत और बोल्डर है, ताकि अगर ये पता चले कि किसानों के जत्थे इधर मूव कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए। हम कोशिश करेंगे रोड क्रॉस करने की, दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाने की। ये बीजेपी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, और वकील भी हैं। अच्छा लग रहा है ना ये किसान सब आ रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि जब कानून घटिया होता तो अराजकता बढ़ती है। जो पिछली बार जिन लोगों ने घेरा था, हाँ, अगर उनको सजा मिल गई होती, अच्छा, शायद ये नौबत नहीं आती। अच्छा सजा मिल गई तो जो आ रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, और उसके बाद उनकी सारे मांगे पूरी हो चुकी है। ये जो आ रहे हैं, कहाँ पूरी हुई? ये जो आ रहे हैं, जिस दिन प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी पता चलेगा, जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये सब 500 करोड़ के मालिक हैं, किसी के पास 50 पेट्रोल पंप। अरे क्या बात कर, सुनिए जी, हजारों किसान इसी जगह बैठे। चलिए जाइए, आप बीजेपी के नेताओं का यही रवैया है, चूंकि यही बीजेपी के नेता कहते रहे गुंडे हैं, मवाली हैं, खालिस्तानी हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अश्विनी जी कोई गलत नहीं कर रहे, संजोग से मिल गए अभी। यही फितरत है इन लोगों की, यही तरीका है इनका, कि जो आ रहे हैं सब हजार हजार करोड़ के मालिक हैं, और जो हजार हजार करोड़ नहीं, जो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, सारे करप्ट। लेकिन जो यहाँ किसान एमएसपी की मांग करने आ रहे हैं, जिन किसानों से वादा किया था कि एमएसपी आपको मिलती रहेगी, मिलती है, फसलों की कीमत दोगुनी होगी, वो किसान अगर अपनी हक की मांग के लिए आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये 100 करोड़ के मालिक। आइए अब यहाँ की तस्वीर दिखाइए, ये नीचे है, जो कल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, नीचे की तस्वीर, ये यहाँ भी ऐसे क्लोज करके दिखाइए, ये कटीले तार यहाँ लगा दिए गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी है, बोल्डर और ये सब बुलडोजर सब उस तरफ है, जेसीबी मशीनें भी दूर में कहीं दिख रही, यहाँ जो रोड रोलर भी है, सब इसलिए कि कहीं से भी किसान यहाँ तक ना पहुँच पाए, और ये रोकने के इंतजाम पहले भी, और यहाँ से दिल्ली की सीमा शुरू होती है, यहाँ से आगे दिल्ली है, देखिए सामने, देखिए उधर उधर दिखाए, वहाँ दिल्ली, तो यह सड़क दिल्ली को जाती है, ये जो एलिवेटेड रोड है उसके नीचे का हिस्सा है, यह पिछली बार राकेश टिकैत के संगठन का दफ्तर यहीं था, और ये पूरा इलाका यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका, वो रोड दिखाइए, वो उधर दिखाई, ये सारी सड़कें पिछली बार किसानों ने यहाँ पर अपने छोटे छोटे टेंट लगा लिए थे, और टेंट पंडाल लंगर यहीं चल रहा था, और किसान लगातार 13 महीने तक जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे रहते, और उन किसानों को मैंने देखा है पश्चिमी यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के, भाजपुर के, और वो अश्विनी को उपाध्याय बीजेपी नेता काले कोट में, वकील भी है, और ऐसे ही पीआईएल करते हैं सब, क्या कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती इन किसानों की। और ये तस्वीर आइए इधर, और उसके बाद हम यहाँ से आइए, यहाँ से हम लोग चलेंगे, कोशिश करेंगे कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर की भी तस्वीर आपको हम दिखा पाएँ, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और बाकी इलाके, और फिलहाल ये यहाँ से नीचे तस्वीर दिखाइए, और यहाँ मीडिया कवरेज हो रहा है, देखते हैं मीडिया का दौर कब आता है, जब गुंडे मवाली आतंकवादी कहने वाले मीडिया के लोग भी यहाँ खड़े हैं, वो जो लड़का अभी मेरा वीडियो बना रहा है वो एक चैनल का है, तो देखते हैं, बहुत सारे वो चैनल वाले भी लोग भी आ गए हैं जो पिछली बार इन किसानों को गुंडे मवाली आतंकवादी देशद्रोही खालिस्तानी कह रहे थे, देखते हैं ये सुर
चैनलों पर कब शुरू होता है, जब इन किसानों को गुंडे, मवाली और आतंकवादी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ किसानों की आमद नहीं है अभी तक, पीछे से अगर आएंगे तो जैसे आएंगे पता चलेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ संयुक्त मोर्चे में फूट पड़ी थी उसी आंदोलन के खत्म होने के बाद, जब 2022 के चुनाव में कुछ किसान संगठनों के नेताओं ने, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कुछ नेताओं ने चुनाव में हिस्सेदारी की थी डायरेक्ट, तो संयुक्त मोर्चे के नेताओं का मानना था कि चुनाव में हिस्सेदारी किसान नेताओं को नहीं करना चाहिए, इसमें फूट पड़ी, फिर कुछ और वजहों से एक संगठन बना। तो अभी जो दो संगठन हैं किसानों के, वो उस संयुक्त मोर्चे के बहुत सारे नेता उस संगठन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों के साथ, अब चूंकि मैं पैदल आया 2 किलोमीटर से, गाड़ियां आ नहीं सकती, चारों तरफ ट्रैफिक है। करण जाकर आपको वहां की तस्वीर दिखाइए, आगे जाइए, आप विजुअल पे ज़्यादा फोकस करिए, मेरे पर कम रहिए, और ये चेन दिखाइए कैसे बंद किया गया सब रास्ता, इसलिए कि पिछली बार यहाँ तक आ गए थे। तो अब हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, और अगर ये, मैं फिर कहूँगा एक बार नहीं बार बार, कि मैं उम्मीद करूँगा कि ये कोई टकराव का रास्ता इस आंदोलन को अख्तियार न करना पड़े। सरकार की भी जिम्मेदारी है, किसान नेताओं की भी, कि कोई ऐसी नौबत ना आए और कोई रास्ता निकले, और हमेशा कोई आंदोलन अगर हिंसक होता है तो उस आंदोलन पर दाग लगते हैं, तो ये जिम्मेदारी सबकी है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं इन तस्वीरों के साथ, और जैसे भी कुछ और जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। किसान आंदोलन की हर कवरेज आप मेरे वीडियो पर देखते रहेंगे, और जैसा कि मैंने कहा, इंतज़ार कीजिए उन चैनलों के उस मुहिम का, नैरेटिव का, जब इन किसानों को गुंडे, मवाली, आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, जैसे अभी अभी एक बीजेपी के नेता वकील कालेकोट वाले अश्विनी उपाध्याय कह कर गए। तो अब हम आ गए उस NH-24 के उस एलिवेटेड फ्लाईओवर से नीचे, जिसकी तस्वीर मैंने ऊपर से आपको दिखाई थी, और यहाँ ऐसे ये तारबंदी की गई है, नीचे ये सीमेंट का, कंक्रीट का बोल्डर है, या जो भी ब्रिज में जिसका इस्तेमाल करता है, होता है फ्लाईओवर में, वो बीच में रेत भर दिया गया, और ये ऐसे इसमें तारबंदी की गई है। जैसे ऊपर आपने कीले देखी, यहाँ तार है, और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और इस तरह से इंतज़ाम है, सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, दिल्ली पुलिस, ये सब ऐसे इंतज़ाम है कि किसी भी सूरत में यहाँ से अगर किसान इधर से यूपी की तरफ से आते हैं, इधर दिखाइए, यूपी की तरफ से आते हैं, तो यहाँ से आगे ना बढ़ पाएँ। और ये वो जगह है जहाँ पे पिछली बार, करण ये तस्वीर ही दिखाइए आप इधर, पिछली बार राकेश टिकैत का ऑफिस यहीं पे था, और ये इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे जो NH-24 है, और यहाँ से इधर दिल्ली की सीमा शुरू होती है, यहीं पे किसानों का जमावड़ा था इस फ्लाईओवर के नीचे। बारिश के समय में यहाँ सैकड़ों किसान यहाँ होते थे, और उसके बाद ये रास्ता पूरा बंद था। तो पिछली बार किसान यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से दिल्ली, जब वो 26 जनवरी का कॉल था, यहीं से दिल्ली की तरफ चले गए, तो इस बार दिल्ली न जा पाए इसके मुकम्मल इंतज़ाम है। और इस तरह से दोनों तरफ, ये सड़क और उधर की सड़क, दोनों सड़क जो दिल्ली की तरफ जाते नीचे और ऊपर भी, दिल्ली तरफ जाने वाले में ज़बरदस्त चेकिंग और सुरक्षा दस्ते, पुलिस बल, यहाँ भी देखिए बहुत सारे पुलिस बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है हरियाणा से, जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि ज़्यादातर किसान हरियाणा पंजाब के संगठनों के हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ किसान आ रहे थे, उनमें से बहुतों की गिरफ्तारियों की खबरें हैं, भोपाल में कुछ गिरफ्तारी हुई है, बेंगलुरु से जो किसान आ रहे थे उनको भी ट्रेन से कहीं उतारा गया, और शंभू बॉर्डर और जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर है वहाँ किसानों के जत्थे की आने की जानकारी है, मूव करने की, हालांकि उन्हें रोकने के लिए वहाँ भी हरियाणा पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज की ऐसे इंतज़ाम है जैसे बहुत जगह 600-800 मीटर तक बीच में बैरियर, बैरिकेडिंग, बोल्डर, गड्ढे, खाई, सड़कें खोद दी गई है, इस तरह से जैसे कोई सरहद पार करके कोई दुश्मन देश की सेना आने वाली हो, उस तरह के इंतजाम है, और ड्रोन से टीयर गैस गिराने के भी इंतजाम है। अब देखते हैं दोपहर के बाद जैसे जानकारी मिलेगी कि वहाँ से क्या किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ आने में कामयाब होते हैं, हालांकि इस बार ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पिछली बार सरकार को ऐसा लगा, रोकने की कोशिश तब भी हुई थी हरियाणा में, लेकिन ट्रैक्टर से, JCB मशीनों से, एक हाइड्रा बड़ी मशीन होती है किसानों के पास, उन मशीनों से बोल्डर को, बैरियर को, बैरिकेडिंग को, यहाँ तक कि कंटेनर को, सबको किनारे लगाते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए किसान आ गए थे टिकरी सिंघू बॉर्डर तक, इस बार वो ना पाए इसके लिए इंतज़ाम किए गए। तो बहरहाल अब उसके बाद जो भी, जैसी भी तस्वीर होगी हम आपको दिखाते रहेंगे, आप ये तस्वीर दिखाइए यहाँ से, उधर पुलिस वालों के दस्ते हैं।